हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आभा खत्री आज आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए किचन में चलते फटाफट से और बना लेते हैं एक न्यू रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और गवार फली की सूखी सब्जी, जो मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाई है। एकदम सिंपल सब्जी है। तो उसके लिए हमें चाहिए आलू और गवार। तो गवार फली मैंने इस तरह से लंबी लंबी काट के रखी है और उसी तरह से लंबे स्लाइस में मैंने आलू भी काट के रखे हैं। दोनों को एक ही आकार में काटना है हमें। फिर बारीक टमाटर मैंने एक चॉप कर लिया है। ग्रीन चिली है 1 टेबल स्पून, इसे मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है, कटर में करा है मैंने इसे। फिर हल्दी है, हींग है, जीरा, राई, मिर्ची, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, नमक हमें स्वाद के अनुसार लेना है। अमचूर पाउडर लिया है मैंने, इसमें अमचूर पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है, सूखी सब्जी इसलिए। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है। सब्जी बनाने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। तो आइए हम फटाफट से सब्जी रेडी कर लेते हैं। तो ये सब्जी हम पैन में बनाएंगे। पहले मैंने सब्जी की रेसिपी शेयर की थी, उसे मैंने कुकर में बनाया था, तो ये हम पैन में बना रहे हैं इस बार, थोड़ा डिफरेंट। तो उसमें मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लूँगी पैन में। सब्जी तो थोड़ा ज़्यादा सा ही लेना है कुकिंग ऑयल। अब ऑयल को हम गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम राई डाल देंगे। राई तड़कने लगे तभी हम इसमें जीरा भी ऐड कर देंगे। साथ में ही हम इसमें हींग भी ऐड कर देंगे। और इसी टाइम पे हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। अब ये सब चीज़ें जब अच्छे से पक जाए तो इसमें हम इस टाइम पे हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और हमारे गवार और आलू जो हमने काट के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। सब्जी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें इसी टाइम पे हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। सॉल्ट हमें टेस्ट के अनुसार ऐड करना है। सॉल्ट को भी मिक्स कर देंगे और सब्जी एकदम से ड्राई ड्राई नहीं बने इसलिए हम इसमें ये थोड़ा सा अच्छे से गल जाए इसलिए थोड़ा सा हम इसमें पानी का छींटा देंगे, या थोड़ा सा पानी, 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसे ढककर हम पकाएंगे। सब्जी को हाफ कुक कर लेंगे हम ढककर और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो मैं सब्जी को खोल के देख लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी हाफ कुक हो चुकी है। गवार भी हमारी हल्की पक चुकी है, आलू भी हमारे पकने को आए हैं। तो इस टाइम पे अब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड कर देंगे। तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। बहुत ही क्विक रेसिपी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला, लहसुन भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, तो भी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसे 2 मिनट और पका लेंगे हम इसी तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने सब्जी को 5 मिनट और पका लिया है। तो इस टाइम पे अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर हम पहले ऐड नहीं करेंगे, इस टाइम पे हमें टमाटर ऐड कर देना है। इसमें मिक्स कर देना अच्छे से सब्जी को। मैं टमाटर और अमचूर दोनों ही डाला है मैंने, बट दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। एक भी चीज़ आप स्किप मत कीजिए। अब साथ ही में इसमें हम गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और लास्ट में अमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे इसी टाइम पे।
और सब्जी को हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने टमाटर डाला है और दूसरे मसाले भी ऐड किए हैं, तो इसे 5 मिनट हमें और पकाना होगा। आप देख सकते हैं अभी हमारी सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है, जबकि हमने इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाले ऐड नहीं किए। आप इस तरह से सब्जी को ज़रूर बना के देखिए फ्रेंड्स। तो मैं इसे 5 मिनट इसी तरह से अब खुला पका लूँगी। 5 मिनट सब्जी को पका लिया, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीदार हमारी आलू और गवार की सूखी सब्जी रेडी है बनकर। इसे कोई भी बना के रेडी कर सकता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे पराठे, रोटी या टिफ़िन में भी पैक कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है गर्मा गर्म आलू और गवार की बिना लहसुन प्याज की सूखी सब्जी। तो आप इस तरह से सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं, टिफ़िन में बच्चों को भी पैक करके दे सकते हैं, ऑफिस में भी पैक करके दे सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।